गुरुर् ब्रह्मा गुरुर् विष्णु गुरुर् देवो महेश्वरा श्री गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। मित्रों जय माता दी। आज के वीडियो में मैं आपको दैनिक पंचांग राशि परिचय सभी राशियों का राशिफल एवं कुछ खास टिप्स की जानकारी देंगे। आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज वीडियो शुरू करने के पहले मिश्रा ज्योतिष केंद्र को सब्सक्राइब अवश्य कर लें और बेल आइकन की घंटी बजा दें, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब हमारे लिए महत्वपूर्ण है। समस्या आपकी, समाधान हमारा। आपके खिलाफ मारण, मोहन, उच्चाटन, वशीकरण, कोख स्तंभन, विदूषण, अम्लीय सिपली, किसी भी प्रकार का तांत्रिक प्रयोग किया गया है या हस्तरेखा परीक्षण, जन्मपत्री परीक्षण, ग्रह शांति, महामृत्युंजय जप, मैनुअल जन्मपत्री निर्माण, विवाह आदि संस्कारों के लिए गुरुजी से इन नंबरों पर अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। मोबाइल नंबर 9807-2255-23, व्हाट्सएप नंबर 9807-2255-23। 22 सितंबर रविवार 2024, श्री सुसंवत 2081, सख संवत 1946, कुवार महीना अंधेरा पाठ पंचमी तिथि। सूर्य कन्या राशि में, चंद्रमा मेष राशि में, भरणी नक्षत्र प्रातः 6:39 तक रहेगा और प्रातः 5:24 तक कृतिका नक्षत्र रहेगा। दूसरे दिन दिशा सूर्य पश्चिम दिशा परिहार पान। कहने का मतलब यह है कि आज पश्चिम दिशा की यात्रा आपके लिए ठीक नहीं है। अगर पश्चिम दिशा की यात्रा करना जरूरी है तो आप पान खाकर यात्रा आरंभ करें तो सफलता मिलने के योग बढ़ जाते हैं। राहु काल 4:30 से 6:00 तक, गुलिक काल शाम को 3:30 से 4:30 तक, यमगंड काल दिन में 12:00 से 1:30 तक। किसी भी शुभ काम की शुरुआत अथवा यात्रा का आरंभ राहु काल में न करें, क्यों जो भी शुभ काम राहु काल में किए जाते हैं ये यात्रा राहु काल में शुरू की जाती है। दोनों ही काम में कदम कदम पर दिक्कत और परेशानी उठाना पड़ता है। अगर कोई शुभ काम करना चाहते हैं या यात्रा का प्रारंभ करना चाहते हैं तो गुलिक काल में या फिर हमारे बताए गए काल निर्णय के आधार पर शुभ मुहूर्त में काम शुरू करते हैं तो आपको सफलता मिलने के चांस बहुत ही ज्यादा बढ़ जाते हैं। अब हम आपको राशि परिचय की तरफ लेकर चलते हैं। अपने नाम के पहले अक्षर से आप राशि की जानकारी कर लीजिए। कुछ अक्षर दो अक्षरों से मिलकर बनते हैं तो बिल्कुल टेंशन न लीजिएगा, क्यों हम आपकी सहायता करेंगे। देखो भाई, दो अक्षर से मिलकर बनने वाला अक्षर प्र होता है और प्र से बहुत लोग के नाम होते हैं, जैसे प्रियंका, प्रेमनाथ। अब आप क्या करेंगे, तो भाई प्र को आप पास देखें, कहने का अर्थ ये है प्र को आप कन्या राशि में। इसी तरीके से दो अक्षर से मिलकर बनने वाला अक्षर त्रा होता है और त्रा से भी बहुत लोग के नाम होते हैं, जैसे त्रिवेणी, त्रिभुवन। अब आपको क्या करना, तो भाई त्रा को आप ता से देखें, कहने का अर्थ ये है त्रा को आप तुला राशि में देख जाएंगे। इसी तरीके से दो अक्षर से मिलकर बनने वाला अक्षर ज्ञा होता है और ज्ञा से भी बहुत लोग के नाम है, जैसे कि ज्ञान सिंह, ज्ञानेश्वरी। अब आपको क्या करना, तो भाई ज्ञा को आप गा से देखें, कहने का अर्थ ये है ज्ञा को आप मकर राशि में। इसी तरीके से दो अक्षर से मिलकर बनने वाला अक्षर श्रा होता है और श्रा से बहुत लोग के नाम है, जैसे कि श्रीचंद, श्री नारायण। अब आप क्या करें, तो भैया श्रा को आप श्रा से देखें, कहने का अर्थ ये है श्रा को आप कुंभ राशि में देखें, ठीक है ना। अब हम आपको सभी राशियों के राशिफल की जानकारी दे रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। एरिस यानी मेष राशि, मेष लग्न राशि के जातकों आज आपका मन खुश रहेगा,
स्वास्थ्य बढ़िया रहेगा, माता का सहयोग भी मिलेगा, जमीन जायदाद संबंधी मामलों में लाभ होने के योग दिख रहे हैं, रोजगार मंदा रहेगा, पति पत्नी में आपस में मतभेद होने के योग है। आपके लिए खास उपाय है लाल कमल का पुष्प आप ध्यान करिएगा, इससे आपकी दिक्कत कम हो जाएगी। आपके लिए शुभ रंग है लाल, शुभ अंक है 9, 18, 27। टॉरस यानी वृषभ राशि, वृषभ लग्न राशि के जातकों, आज खर्चे बढ़ेंगे, बाहरी स्थानों से मदद भी मिलेगी, भाई बहन से आपस में मतभेद होने की योग दिख रहे हैं, साहस बल कमजोर रहेगा, झगड़े झंझट की स्थिति से आप सावधान रहिएगा। खास उपाय है सफेद गाय को मखाने की खीर खिलाएं, इससे आपकी आज दिक्कतें कम हो जाएंगी। शुभ रंग है आपका सफेद, शुभ अंक है 6, 15, 24। जेमिनी यानी मिथुन राशि, मिथुन लग्न राशि के जातकों, आज परिवार का सहयोग प्राप्त होगा, धन लाभ होने के योग दिखाई दे रहे हैं, संतान का सहयोग मिलेगा, मन खुश रहेगा और लव लाइफ वाले खुश हो जाइएगा। आपके आज लव पार्टनर संबंध बहुत मधुर रहेंगे। तो आपके लिए विशेष उपाय है किसी गरीब को दूध का दान करें तो दिन अच्छा गुजरेगा। शुभ रंग है आपके लिए हरा, शुभ अंक है 5, 24, 23। कैंसर यानी कर्क राशि, कर्क लग्न राशि के जातकों, आज मन खुश रहेगा, पिता को सुख प्राप्त होगा, सरकारी कामों में सफलता मिलने की योग दिखाई दे रहे हैं, माता का भी सुख प्राप्त होगा, वाहन लाभ होने की योग दिखाई दे रहे हैं। विशेष उपाय पानी मत बर्बाद करिए, इससे जो है आपकी दिक्कतें कम हो जाएंगी। यार आपके लिए शुभ रंग है सफेद, शुभ अंक है 2, 11, 29। लियो यानी सिंह राशि, सिंह लग्न राशि के जातकों, आज धार्मिक कामों में मन नहीं लगेगा, भाग उन्नत में बाधा है, खर्चे बढ़ेंगे, बाहरी स्थानों से मदद मिलने के योग दिखाई दे रहे हैं, भाई बहन का भी सहयोग रहेगा, साहस बल आज आपका मजबूत रहेगा। विशेष उपाय पिता का अपमान न करिएगा, इससे आपकी दिक्कतें कम हो जाएंगी। शुभ रंग है आपके लिए लाल, शुभ अंक है 1, 10, 19, 28। वर्गो यानी कन्या राशि, कन्या लग्न राशि के जातकों, आज आमदनी मंदी रहेगी, बड़े भाई से मतभेद होने के योग दिखाई दे रहे हैं, आयु में वृद्धि होगी, धन संग्रह करने के योग बन रहे हैं। विशेष उपाय अपनी बहन और बेटी का सम्मान करिएगा। शुभ रंग है आपका हरा, शुभ अंक है 5, 14, 23। लिब्रा यानी तुला राशि, तुला लग्न राशि के जातकों, आज सरकारी कामों में सफलता मिलने के योग दिखाई दे रहे हैं, पिता का सहयोग प्राप्त होगा, पति पत्नी में आपस में प्रेम रहेगा, रोजगार में लाभ होगा, मन खुश रहेगा, स्वास्थ्य बढ़िया रहेगा, खुश हो जाओ, आज गृहस्थ सुख आज आपको मिलेगा। आपके लिए विशेष उपाय आप पत्नी का अपमान न करिए तो आज आपका दिन आनंदमय गुजरेगा। शुभ रंग है सफेद, शुभ अंक है 6, 15, 24। स्कॉर्पियो यानी वृश्चिक राशि, वृश्चिक लग्न राशि के जातकों, आज भाग्य में बाधा पड़ेगी, धार्मिक कामों में मन नहीं लगेगा, झगड़े झंझट की स्थिति से सावधान रहिए, परंतु बाहरी लोगों से मदद मिलने के योग दिख रहे हैं। विशेष उपाय हनुमान जी के मंदिर में जाके आप लाल पुष्प चढ़ाइएगा, इससे आपकी दिक्कतें आज कम होंगी। शुभ रंग है लाल, शुभ अंक है 9, 18, 27। सेजिटेरियस यानी धनु राशि, धनु लग्न राशि के जातकों, आज आयु में वृद्धि होगी, पूर्वजों की शक्ति का लाभ मिलेगा, गुप्त शक्ति का आपको लाभ मिलेगा, संतान को कष्ट मिलने को दिखाई दे रहे हैं, चिंता बढ़ेगी, बड़े भाई बहन का सहयोग आपको प्राप्त होगा,
धन लाभ होने के योग दिखाई दे रहे हैं। लव लाइफ वाले सावधान हो जाइए, बिजनेस पार्टनर से आज आपके मतभेद होने के योग दिखाई दे रहे हैं। विशेष उपाय, अपने माथे पर शुद्ध केसर का तिलक लगाइए, इससे आपकी परेशानी कम हो जाएगी। आपका शुभ रंग है पीला। शुभ अंक 3, 12, 21, 30। कैपिकार यानी मकर राशि, मकर लग राशि के जातको आज का दिन शुभ रहेगा। पति पत्नी में आपस में प्रेम रहेगा, रोजगार में लाभ होगा, गृहस्थ सुख आज आपको मिलेगा, खुश हो जाइएगा। जमीन संबंधी मामलों में भी लाभ होंगे, माता का सहयोग प्राप्त होगा, समाज में मान प्रतिष्ठा बढ़ेगी, सरकारी अधिकारी आपके अनुकूल रहेंगे। विशेष उपाय, काले उड़द का दान करिएगा, इससे जो है आपका दिन और भी अच्छा आज गुजरेगा। आपका शुभ रंग है नीला। शुभ अंक है 8, 17, 26। कुबेरिया यानी कुंभ राशि, कुंभ लग राशि के जातकों आज फालतू चिंता सताएगी। भाई बहन से मतभेद पैदा होने की योग दिख रहे हैं। भाग्य उन्नत में बाधा रहेगी, धार्मिक कामों में मन नहीं लगेगा। विशेष उपाय, किसी गरीब का आज अपमान न करिए, इससे आपकी दिक्कत परेशानी कम हो जाएगी। शुभ रंग है आपका नीला। शुभ अंक है 8, 17, 26। पाइसिस यानी मीन राशि, मीन लग राशि के जातकों आज विद्यार्थियों को विद्या का लाभ मिलेगा, संतान का सहयोग प्राप्त होगा, धन संग्रह करने के योग बन रहे हैं, परिवार का भी सहयोग मिलेगा, आयु में वृद्धि होगी। और भैया लव लाइफ वाले खुश हो जाइएगा, आज आपका लव पार्टनर आपको दिल से दिल खोल कर प्यार करेगा। आपके लिए विशेष उपाय है, आज आप अपने पति का अपमान न करिए, इससे दिन आपका और भी अच्छा गुजरेगा। आपके लिए शुभ रंग है पीला। शुभ अंक है 3, 12, 21। अगर अपने राशिफल में विशेष सटीकता चाहते हैं तो राशिफल को लग्न से देखें। अगर आपको अपनी लग्न नहीं मालूम है तो हमसे संपर्क करके अपनी लग्न की जानकारी कर सकते हैं। अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आया है तो मिश्रा ज्योतिष केंद्र को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, अपने इष्ट मित्रों में अधिक से अधिक शेयर करें तथा हमारे बताए गए उपायों से आपने लाभ उठाया है तो कमेंट बॉक्स में जय माता दी अवश्य लिखिएगा। हमारे वीडियो के लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए हैं। ये सारे पॉपुलर वीडियो हैं, आप इन्हें चाहे तो देख सकते हैं। जय माता दी।